नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। दोस्तों, एक और जॉब है जो निकली है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से। हीरो मोटोकॉर्प में आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो जॉब्स होती हैं ये प्राइवेट जॉब्स होती हैं। इनमें कभी भी किसी भी तरह की पब्लिक नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाली जाती है कि जिससे आपको पता चले कि क्या एग्जैक्ट उन्होंने मांगा गया है। लेकिन वो अपनी वेबसाइट पर रोज़ जो है वो जॉब्स अपडेट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं होती है। कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की फीस आपको पे नहीं करनी है। अप्लाई कर दीजिए, अगर जो है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा तो आपको जो है उनकी तरफ से कॉल या मेल जरूर आएगा। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊंगा सही तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना होगा। ये लिंक दूंगा ठीक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, आपको नीचे कैटेगरीज जो हैं वो दिख रही हैं। इनमें से एक कैटेगरी आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं जो वो सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा ये वाले पेज पे, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अलग अलग सिटीज में दिखेंगी। और याद रखिएगा, अलग अलग सिटीज में अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी होगी और अलग अलग जो है तरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको जो है वो खुद चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो है वो सिटी कौन सी है और आपको किसके लिए अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों डेट्स देख सकते हैं जिन डेट्स को ये जॉब जो है वो पोस्ट करी गई है। ध्यान में रखिएगा, 10 या 15 20 दिन पुरानी जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई नहीं करिएगा, नई जॉब्स के लिए अप्लाई जो है वो करिएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो आपको उनकी तरफ से मेल आ जाएगा या आपको जो है वो टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा या फोन आ जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपको किसी पैसे की डिमांड आती है तो समझ लीजिए वो जॉब फेक है। तो उनके लिए जो है मत जाइएगा। यहाँ पे आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो किसी भी तरह की आपको जो है वो फेक कॉल्स जो है वो नहीं आएगी। आपको अगर आएगी तो कंपनी की तरफ से मेल आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये बात कर ले। सबसे पहले दोस्तों, ये जॉब है टेरिटरी मैनेजर की, सर्विस जॉब की, भुवनेश्वर की ये जॉब है। 3 नवंबर को जो है वो पोस्ट करी गई। तो चलिए हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे जॉब के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ पे बताई होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे किसी भी तरह की उन्होंने जो है वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है। लेकिन अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे ये रीड करके आपको पता चल जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी जो है क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की फीस हम लोग पे नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 नवंबर को पोस्ट करी गई थी, टेरिटरी मैनेजर सर्विस जॉब की जो है ये रिक्वायरमेंट है। तो आप जो है इससे सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इन 4 मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ अप्लाई नहीं करना चाहते तो सिस्टम के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे ये देखिए, अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल एड्रेस भरना है और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है। जैसे दोस्तों फॉर्म फिल कर देंगे, रिज्यूम अपलोड कर देंगे तो अप्लाई कर देंगे इस जॉब के लिए जिस पर आपने क्लिक करा था। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों फॉर्म भरना नहीं आएगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म भर के मैं बता दूंगा कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों वापस जाते हैं और भी जॉब देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं दोस्तों जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक कैटेगरी की बात है। अगर आप अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखेंगी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे दोस्तों आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।